एसेट केसर में आपका स्वागत है। माय नेम इज अमित कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में। चलिए मैं इसका चलता हूँ वेबसाइट पे। ये मैंने खोल लिया वेबसाइट, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका सबसे फेवरेट जो है वो फेविकॉल है। फेविकॉल के नाम से जानी जाती है पिडिलाइट इंडस्ट्री। ये वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, एमसीली सब जितना ही सब होता है, केमिकल कंस्ट्रक्शन केमिकल। आइए मैं इसका थोड़ा प्रोडक्ट देख लेता हूँ। आवर ब्रांड ये है इसका फेविकॉल, जो प्लाईवुड ही सब चिपकाई जाती है। फेविकॉल एमआर डॉक्टर फिक्स से ये वाटर प्रूफिंग काम में आती है। जैसे छत इस सब में डाला जाता है, बाथरूम इस सब में डाला जाता है ताकि पानी लीक ना करे। ये है फेविक्विक एमसील, और भी बहुत सारे हैं। आइए मैं चलता हूँ इसका स्टॉक प्राइस पे और क्या चल रहा है। मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे चलता हूँ। ये मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोल लिया हूँ। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 797 रुपये BSE पे। इसका मार्केट कैप है 40,846 करोड़। PE 49.97, बुक वैल्यू है 67.68, डिविडेंड है 4.75, 475% है। इंडस्ट्री PE 50 की, EPS जो है वो 15.95 है। देखिए EPS बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अर्निंग पर शेयर इसका फुल फॉर्म है। EPS से पता चलता है कितना ग्रोथ कर रहा है। इसका प्राइस बुक है 11.68, फेस वैल्यू है 1 का। आइए मैं इसका बैलेंस ही चेक करता हूँ। ये इसका बैलेंस शीट खुल गया। इसका नेटवर्क देखिए, सबसे पहले नेटवर्क देखिए 1,732 करोड़। ये कब था? मार्च 13 में था, और अभी देखिए बढ़ते बढ़ते 2,000 से 2,300, 2,800, अभी 3,399 करोड़ हो गया 17 में। टोटल डेबिट, कोई भी लोन नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। लोन डेट फ्री है, बहुत अच्छी कंपनी है। डेट फ्री बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है, क्योंकि अगर लोन भी होगा तो उसको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट चुकाएगा तो फिर इतना ग्रोथ नहीं आ पाएगा, और ये डिविडेंड भी वो सब नहीं दे पाएगी ज़्यादा। बहुत अच्छी कंपनी है, लोन फ्री बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है कंपनी में, क्योंकि इसको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। जो भी इसका ग्रोथ आएगा एक कंपनी में आएगा और बैलेंस शीट पे दिखेगा भी। इसका टोटल एसेट देखें 1,732 करोड़ था मार्च 13 में, और अभी हो गया 3,399 करोड़। वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और भी चलिए इसका देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। ये टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये 3,331 करोड़ मार्च 13 में, अधिक ये बढ़ता ही जा रहा है। 14 में बढ़ा, 15 में बढ़ा, कभी भी माइनस में ये भी इससे कम नहीं आया। अभी चल रहा है 4,865 करोड़ टोटल रेवेन्यू। ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू था, अब टोटल रेवेन्यू देखिए मार्च 13 में 3,397 करोड़ है, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4,975 करोड़ हो गया। काफ़ी ग्रोथ आ रहा है कंपनी में, क्योंकि पिडिलाइट में प्रमोटर्स का होल्डिंग भी देखना है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग से पता चलता है कि कितना लोगों का इंटरेस्ट है
अब प्रमोटर लोग तो बहुत कम ही एकदम, ऐसा थोड़ी है ना कि वो किसी भी कंपनी में निवेश कर देंगे। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स देखिए 6019 करोड़ था, 6019 करोड़, अब देखिए ये बढ़ते जा रहा है 1140 करोड़। अब देखिए प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये देखिए कितना चल रहा है, 460 करोड़ से धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, 773 करोड़ हो गया। आइए मैं थोड़ा इसका ईपीएस भी चेक कर लेता हूँ। ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, 9.04 है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। देखिए अभी 15-17 में आ गया 15.09, यानी बढ़ रहा है। आइए मैं थोड़ा इसका प्रमोटर होल्डिंग देख लेता हूँ। इसका प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी है, प्रमोटर होल्डिंग्स काफ़ी है, प्रमोटर होल्डिंग्स या प्रमोटर ग्रुप है काफ़ी है, मैं तो सोचा भी नहीं था इतना होगा, 40 है लगभग लगभग। आइए मैं कुछ और भी चेक कर लेता हूँ इसका, इसका टॉप प्रमोटर्स टॉप शेयर होल्डर देख लेते हैं। टॉप शेयर होल्डर काफ़ी भी है, काफ़ी है इसमें, LIC का भी है देखिए, बॉडीज कॉर्पोरेट का भी है, काफ़ी सारा का है, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल भी है, यानी काफ़ी अच्छी कंपनी है तभी ऐसे ऐसी फंड है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी देख लेता हूँ, ये इसका म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, एक्सिस है, एक्सिस फोकस है, 25 फंड है, काफ़ी सारा है, कैन रेपको इक्विटी है, ये कैन रेपको एक्चुअली ये कैनरा बैंक के नाम से जानी जाती है। DHFL है, DHFL एडवाइस है, फ्रैंकलिन है, HDFC लगभग लगभग सभी कह रहते हैं, IDBI है, ICICI का भी है, जैम फाइनेंशियल का भी है, कोटक का भी है, L&T, महिंद्रा, रिलायंस, SBI, SBI, SBI तो काफ़ी है, सुंदरम काफ़ी है, पढ़ना मुश्किल है, इतना सारा ही काफ़ी है, पता चलता है कितनी अच्छी कंपनी है। मैंने इसको 300 में खरीदा था, फिर इसको 400 में खरीदा था, फिर 500 में खरीदा, अभी आएगा 600 तो नहीं आएगा, लेकिन 700 तो आ ही सकता है, क्योंकि मार्केट अभी पीक पे है, तो आ जाएगा तो मैं ख़रीद लूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, लेके एकदम भूल जाऊँगा इसको। आइए मैं इसका चार्ट देख लेता हूँ, इसको गिरावट में ऐसा ख़रीदना ही चाहिए। इसका 5 साल का चार्ट देख लेता हूँ, ये इसका 5 साल का चार्ट, 2012 में 208 रुपये चल रहा था, और देख रहे हैं ये सीढ़ी की तरफ ऊपर जाते चल रहा है, ये कभी भी नीचे जल्दी नहीं आता, देखिए यहाँ से थोड़ा नीचे आया बस ऊपर चला जाता है। ये नोटबंदी जब हुई थी तब देखिए इसका प्राइस उसमें चल रहा था 600 कुछ चल रहा था, मैंने इससे भी ख़रीदा था जब आया था 600 का लगभग, देख रहे हैं
उस नोटबंदी के समय में यहाँ से सीधे गिर के यहाँ आ गई थी। उसके बाद देखिए फिर बढ़ना स्टार्ट किया, बहुत कम ही मौका देती है। आइए मैं इसका मैक्सिमम चार्ट देख लेता हूँ। ये बोनस है जो ये येलो टाइप का, ये बोनस है 1.1 का रेशियो मिला था 2000 में 5 जून को। डीसी डिविडेंड होता है, ये देखिए ग्रीन वाला जो स्प्लिट है, पहले फेस वैल्यू ओल्ड फेस वैल्यू 10 का है, अब न्यू फेस वैल्यू 1 का है। ये जो मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, ये डीसी डिविडेंड है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। 1.1 का रेशियो है, देख रहे हैं ऊपर चलता ही जा रहा है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसका कभी भी नीचे आया था, एकदम सीढ़ी की तरह ऊपर चलते जा रहा है। कितनी अच्छी कंपनी है आप सोच सकते हैं। इसका 52 वीक लो देखें तो 568 था, 52 वीक हाई 867 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, थैंक यू।